नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। चीन ने पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉटस्प्रिंग से अपने कदम पीछे हटा लिए, लेकिन चीन ने ऐसा क्यों किया ये समझने के लिए आपको हाल ही में हुई संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO समिट को समझना होगा। SCO समिट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत करते हुए कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। यूं तो देखने में लगा कि पीएम मोदी रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका इशारा दुनिया भर के तमाम देशों की तरफ था, खास तौर से चीन की तरफ। अपनी बात में बिना नाम लिए पीएम मोदी ने चीन को ये संदेश दिया कि भारत विकास की पैरोकारी करता है, न कि युद्ध की। इसके बाद अपने अगले संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि SCO समिट का हिस्सा बनने वाले देशों को एक दूसरे का सामरिक सहयोग करना चाहिए, और ये दोनों ही बातें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को समझ भी आ गई। तभी तो 2020 से LAC में घुसे चीनी सैनिकों ने कदम पीछे खींच लिए। वो चीनी सैनिक जो लद्दाख में डेरा जमाए बैठे थे, अब सीमा से करीब 3 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। नई सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉटस्प्रिंग्स में LOC के पार कब्जे वाले स्थान से 3 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। सैनिकों की वापसी एक संयुक्त सैन्य वापसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके बाद चीन की सेना को LAC के पास एक बड़े मिलिट्री बेस को छोड़ना पड़ा। बता दें कि ये बेस ऐसे इलाके के पास था जहां 2020 में भारतीय सेना गश्त करती थी। भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉटस्प्रिंग्स क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर सैनिकों की वापसी प्रक्रिया का संयुक्त सत्यापन किया। मैक्सार टेक्नोलॉजी सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि डिस इंगेजमेंट से पहले गोगरा हॉटस्प्रिंग इलाके में एक चीनी पोस्ट दिख रही है, जबकि हालिया सैटेलाइट तस्वीर में ये पोस्ट पूरी तरह से हट चुकी है। सहमति के तहत इस इलाके में दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। चीनी सेना ने यहां एक बहुत बड़े एस्टेब्लिशमेंट का निर्माण किया था। बता दें कि पहले इस इलाके में भारतीय सेना गश्त करती थी, लेकिन 2020 में चीनी घुसपैठ के बाद यहां तनाव के हालात बन गए। लद्दाख में स्थानीय पार्षदों का कहना है कि समझौते के तहत इंडियन आर्मी ने भारतीय क्षेत्र के भीतर भी अपने 2 पोस्ट हटा दिए हैं, हालांकि भारतीय सेना के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। खैर, चीन के पीछे हटने से साफ हो गया कि पीएम मोदी के SCO समिट में दिए इशारों को चीन समझ गया है। वो समझ गया है कि भारत अर्थव्यवस्था की रेस में उसे जल्द ही पीछे छोड़ देगा। ऐसे में चीन अपनी छिछोरी हरकतों के चलते हमसे किसी भी क्षेत्र में मुकाबला करने के लायक नहीं रहेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।